हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा का चैप्टर 16 भोर और बरखा, जिसकी लेखिका है मीराबाई की व्याख्या। पहला पद है जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी नहीं मतत सुनियत है कंगना के झनकारी, ग्वाल बाल सब करत कुलहाहल, जय जय शबद उचारी, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारी। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के 8-16 भोर और बरखा से लिया गया है। इसकी लेखिका मीराबाई जी हैं। प्रस्तुत पद में मीरा अपने मधुर स्वर में श्री कृष्ण को भोर के समय जगाते हुए कहती है कि व्याख्या, हे मेरे वंशी वाले प्यारे कृष्णा, जाग जाओ अर्थात निद्रा त्याग दो, रात बीत गई है, प्रातः का समय हो गया है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियों के हाथों के कंगनों की जनकार से पता चलता है कि वे दही बिलो रही हैं और तुम्हारे लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। प्रिय कृष्ण, देखो तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देव और मानव जन खड़े हैं, जो तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल जोर जोर से तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। गऊओं के रखवारे कृष्ण माखन और रोटी हाथ में लिए हुए तुम्हें साथ ले जाने को आतुर हैं। मीरा जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, गिरधर नागर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक का उद्धार कर देते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ उमड़ चौदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदन में बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। प्रस्तुत पद में मीरा ने प्रकृति चित्रण करते हुए वर्षा का वर्णन किया है और वे कहती हैं कि व्याख्या, सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है। सावन के आते ही मन में उमंग जाग उठती है, उसे श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वे आने वाले हैं। बादल घुमड़ घुमड़ कर चारों दिशा में फैल जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, वर्षा की नन्नी नन्नी बूंदें बरस रही हैं, पवन भी शीतल और सुहावनी लग रही है। इस प्रकार वर्षा ऋतु का मनोहरी दृश्य प्रस्तुत किया है। मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण हैं, वे बादलों के आने के माध्यम से कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती है। पद की विशेषता है कि इस पद्यांश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और साथ साथ प्रकृति की भी अनुपम सुंदरता का वर्णन किया है। गिरिधर नागर शब्द कह के गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाने वाले कृष्ण के स्वरूप का भी वर्णन किया है।